भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई जयंती। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सभी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। बजरंगड़ स्थित पंडित दीनदयाल स्मारक पर आज बीजेपी अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल, शहर अध्यक्ष डॉ. प्रियशील हाड़ा सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रख पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। आज हमारे देश के युग पुरुष पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की 104वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ हमारे पूर्व मंत्री और अजमेर दक्षिण से विधायक बहन अनिता जी, हमारे शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील जी हाड़ा जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे वहाँ महामंत्री संपत जी सांकला जी और सभी वरिष्ठ गण यहाँ आज उनकी 104वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको हम पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। डॉक्टर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पंच निष्ठाएँ, अंत्योदय योजना, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, उन्होंने ये परिकल्पना की थी। और आज हमें खुशी है कि हमारे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पंडित दीनदयाल जी के जो सपने थे पंच निष्ठाएँ और अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, आज पूरे देश में साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, सभी वर्ग को साथ लेकर जो आज आमूलचूल परिवर्तन किया इस देश को विकास की दृष्टि से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए जो पंडित दीनदयाल जी की जो सपने थे उनको साकार करने के लिए आज पूरे देश में लगे हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से कार्यकर्ता लेकर शीर्ष नेतृत्व तक हम सभी पंडित दीनदयाल जी के जो आदर्श हैं, उनके सिद्धांत हैं, उसी के आधार पर हम पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पंडित दीनदयाल जी के जो विचार हैं उन विचारों को लेकर ही हम इस देश का को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। आज मैं पुनः पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूँ और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम यही प्रण लेके चलेंगे कि उनके बताए रास्ते पर चलकर हम क्षेत्र से बूथ स्तर से लेकर पूरे देश में हम विकास के कार्य करें, यही मेरा कहना है। आज माननीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज इस स्थान पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कोरोना की गाइडलाइन के तहत चूँकि धारा 144 लगी हुई है, हमारी पार्टी के सांसद महोदय और जिलाध्यक्ष जी के साथ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय दर्शन को एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो सिद्धांत था अंत्योदय का। इस अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए ही राजस्थान में जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अंत्योदय की योजनाओं को लागू किया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए जितनी भी योजनाएं आई हैं उसी सिद्धांत पर आधारित हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दीनदयाल जी के लिए एक वाक्य कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाते तो शायद बहुत पहले इस देश की दिशा जो अब तय हो रही है वो पहले ही तय हो चुकी होती। इतने कर्मठ, इतने कर्मशील, राजनीति में मूल्यों को स्थापित करने वाले, जब उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा तो जातिवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए, इसलिए जाति के आधार पर वोट नहीं मांगने, चाहे मैं इस चुनाव में हार जाऊं पराजित हो जाऊं लेकिन मुझे जाति के आधार पर वोट नहीं चाहिए, ऐसा सिद्धांत स्थापित करने वाले, ऐसे मूल्यों को। आज हम अजमेर जिला भारतीय जनता पार्टी के ओर से हमारे पंडित दीनदयाल जी को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, आज उनकी जयंती है। हम भारतीय जनता पार्टी में, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी में सेवक हैं,
ये उन्हीं की प्रेरणा है और उन्हीं की देन है कि जब 1951 में कांग्रेस बिल्कुल अपनी मनमानी कर रही थी और अपनी मनमानी चरम पर थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर सदस्य हैं पंडित दीनदयाल जी ने, इन्होंने जनसंघ की स्थापना करी अपने कुछ साथियों को लेकर के। और जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति की सेवा करना, तो उसी उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी कार्य कर रही है कि पंडित दीनदयाल जी के सपने साकार कर सके। और ये हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी सदस्य हैं, ये इन सभी का सौभाग्य है कि ऐसी बड़ी पार्टी और ऐसी महान पार्टी जो विश्व की नंबर एक पार्टी है उसमें हम कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा लेकर के और उनके बताए पद चिन्हों पर चल करके हम उनके कार्यों को अंजाम देंगे, ऐसा हमारा आज।